दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आधार और पैन को लेकर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, दोनों के लिंकिंग के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। और सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ UIDAI के ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जाना होगा यहाँ पे, देख सकते हैं माई आधार और सॉरी अबाउट इसी यहीं पे कहीं पे आपको मीडिया एंड रिसोर्सेस में व्हाट्स न्यू पे आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप डायरेक्ट ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बताया गया है आयकर विभाग की तरफ से SMS के जरिए पैन को आधार से जोड़ने का विकल्प। ओके, तो सबसे पहले बता दूँ इसकी लास्ट डेट जो थी वो बढ़ा दी गई है 30 सितंबर 2019 तक कर दी गई है, जो कि 31 मार्च तक थी। ओके, और देख सकते हैं डेडलाइन फॉर आधार पैन लिंकिंग, तो ये आपको करना जरूरी है। अगर आप इसकी लास्ट डेट जो है बढ़ती ही जा रही है, अभी आपको कर लेना चाहिए क्योंकि आपका ही बेनिफिट है। आपका जो पैन कार्ड जो है वो ख़राब नहीं होगा, आपको दोबारा नहीं बनवाना होगा, उसी से आपका लिंक हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है। ओके, अब इसको करेंगे किस तरीके से वो बात करते हैं SMS के जरिए। तो यहाँ पे आयकर का स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च के करीब आने के साथ ही आयकर विभाग के करदाताओं को SMS के जरिए या काम करने की सुविधा मुहैया कराई गई है। सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको करना क्या होगा। इसके लिए इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को अपने फ़ोन से बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स में UID पिन लिखने के बाद खाली स्पेस छोड़कर अपनी आधार संख्या उसके बाद स्पेस देकर अपनी पैन संख्या लिखना है। ओके, उसके बाद में 567678 या 561611 पर SMS भेजना होगा, इससे पैन आधार से लिंक हो जाएगा और आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड संख्या लिखना है, उसके बाद में स्पेस देकर अपना पैन कार्ड संख्या लिखना है, सब कैपिटल में लिखना होगा और स्टार्टिंग में आपको लिखना है UIDPAN। ओके, क्या लिखना है ऊपर देख लेते हैं, UID PAN। ओके, UID पैन यानी कि UID बोले तो आधार कार्ड, पैन बोले तो पैन। ओके, UID पैन कैपिटल में लिख लेना है, देन अपना आधार नंबर डाल देना है, फिर पैन नंबर डाल देना है और भेज देना है 567678 या 561611 पे। ओके, इससे आपका आधार जो है वो आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा, ये आपको काम करना है 31 सितंबर से पहले। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और नए नए वीडियोज नई नई जानकारी देने का मन करता है। ओके, डिसलाइक बहुत जल्दी करते हैं लोग, ऐसा तो मैंने भाई कुछ नहीं बताया जिससे कि आप डिसलाइक कर दो वीडियो, लाइक कर दो भाई, कुछ नहीं जाता यार, कुछ आपका एक लाइक करने से किसी को अच्छा लगे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अगर कर सको तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।